हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मेरी आवाज़ 2.0। तो शाम के 7 बज गए हैं और वक्त तो चला आज की कहानी का, पर आज कहानी ना सुना के मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे को दी है एडवोकेट पुण्य गर्ग जी ने, और पुण्य गर्ग जी हाईकोर्ट में वकील हैं, और जो बेहतरीन जानकारी उन्होंने हमारे को प्रोवाइड कराई है आज, बेहतरीन इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा रोज़ बरोज़ किन्हीं चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ता, और जब पड़ता है तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि अब क्या होगा। पुलिस, वकील, इनसे हमारे को सबको ये लगता है कि कैसे, क्योंकि हम रोज़ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पुण्य गर्ग जी ने आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के तरीके बताए हैं, और ये बताया है कि किस तरीके से हम अपनी FIR को लॉन्च कर सकते हैं। तो मेरे कहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ पुण्य गर्ग जी के पास में, और एडवोकेट पुण्य गर्ग जी ही आपको बताएंगे कि क्या क्या किस किस तरीके से होता है और हमें कैसे करना चाहिए जब कभी भी हमारे को कोई FIR या कभी हम प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो चलते हैं एडवोकेट पुण्य गर्ग के पास में मेरी आवाज़ पे। हेलो नमस्कार रेडियो 2.0 के लिसनर्स का, आज मैं एडवोकेट पुण्य गर्ग इस रेडियो चैनल के माध्यम से आप सभी को कॉमन लीगल राइट्स या अपने अधिकारों के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में मैं समझता हूं हम सभी को नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही इससे रिलेटेड लीगली अवेयर भी होना चाहिए। शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी लॉ ग्रेजुएशन सिम्बियोसिस लॉ स्कूल पुणे से करी थी, और करंटली पिछले 4 सालों से मैं दिल्ली में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट और NGT में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से अधिकारों को लेकर न्यूज़ में काफ़ी चर्चा रही है, हमारे अधिकार यानी राइट्स। ये राइट्स 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सेकंड फंडामेंटल राइट एंड थर्ड इज लीगल राइट। सो इन्हीं सभी एक लीगल राइट में एक राइट है फाइलिंग ऑफ एन FIR। मैं समझता हूँ एक फाइलिंग ऑफ एन FIR ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी वास्ता रखते हैं लेकिन फुली तरीके से अवेयर नहीं है। सो आज मैं आपसे इस एपिसोड में FIR की लीगल राइट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ एन FIR, हु कैन फाइल एन FIR, वेयर कैन यू फाइल एन FIR, FIR फाइल करने का तरीका क्या है, उसको रजिस्टर कैसे किया जाता है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपका FIR फाइल करने से मना करता है तो इस केस में आपके क्या राइट्स हैं, अगर आपको FIR फाइल करने में डिले होता है तो आपके पास क्या रेमेडीज हैं। ऐसे कई सवाल हैं मैं समझता हूँ जिनका जवाब जानना आप सभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले FIR क्या है? हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC ने FIR को डिफाइन नहीं किया है, पर सेक्शन 154 को देखें अगर तो वहां से हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि FIR होता क्या है। सेक्शन 154 कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस, याद करिएगा वर्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर अगर किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो उसको हम FIR इन्फर कर सकते हैं। जैसे कि इसके निकनेम से जैसे हम पता चलता है कि इट इज़ एन अर्लीस्ट एंड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर। सो इस डेफिनेशन से इन्फर से क्या यह मतलब निकाला जा सकता है कि FIR सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में हो सकती है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो ऑफेंस होता है जहाँ एक पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट या कैन अरेस्ट एनी पर्सन इफ ही फील फाइंड्स सस्पिशन
कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहां एक पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकता है। ये सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, अबडक्शन वगैरह एक्सेट्रा। अब नॉर्मल लाइफ में हम FIR और कंप्लेंट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर दोनों टर्म्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है कि FIR कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में फाइल होती है और कंप्लेंट कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर भी हो सकती है। FIR आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देते हैं और कंप्लेंट आप बिफोर ए मजिस्ट्रेट फाइल करते हैं। सो FIR कौन कौन फाइल कर सकता है? अब ये भी सेक्शन 154 में क्लियरली नहीं दिया हुआ है, बिकॉज ये टर्म यूज करते हैं इन्फॉर्मेंट। अब इसका इन्फ्रेंस ड्रॉ करें तो इन्फॉर्मेंट कैन बी एनी पर्सन, बी इट अ विक्टिम, बी इट एन आई विटनेस, या कोई भी इंसान जिसको उस ऑफेंस के बारे में नॉलेज हो कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है या हो चुका है। काफ़ी बार कंफ्यूजन रहता है हम लोग जब केसेस डील करते हैं, स्पेशली क्रिमिनल नेचर ऑफ केसेस में कंफ्यूजन रहता है कि FIR फाइल करने तो कौन से पुलिस स्टेशन में करें, कब करें, कौन सा पुलिस स्टेशन हमारी FIR को एंटरटेन करेगा। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि FIR हमेशा उस ही पुलिस स्टेशन में फाइल होती है जिस एरिया के जुरिसडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट किया गया है। सेक्शन 156 ऑफ CRPC एक पुलिस ऑफिसर को एक्सप्रेस पावर देता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट जा सके। अब आपको बताऊंगा कि FIR फाइल कैसे होती है। सो ये इन्फॉर्मेशन ओरली या रिटन फॉर्म में दी जाती है। अगर कोई इन्फॉर्मेंट ओरल इन्फॉर्मेशन जाकर देता है पुलिस ऑफिसर को तो उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को रिटन में प्रोड्यूस करे। उसको लिखने के बाद उसके कंटेंट्स इन्फॉर्मेंट को बताए, पढ़कर सुनाए, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को इन्फॉर्मेंट से साइन कराए। अगर इन्फॉर्मेशन राइटिंग में दी जाती है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि उस पर इन्फॉर्मेंट के सिग्नेचर्स हों। हर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस स्पेशली, तो उसको वो स्टेशन डायरी में एंटर करे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर पुलिस स्टेशन की अपनी एक डायरी होती है जिसमें डे टू डे सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफेंस कमिटेड एनीवेयर इज रिकॉर्डेड। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि FIR फाइल करने के बाद उसकी कॉपी लेना ना भूलें, और ये आपको कॉपी मिलेगी फ्री ऑफ चार्ज पुलिस ऑफिसर से जो आपकी FIR रजिस्टर कर रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी केसेस में, किसी किसी सिचुएशंस में पुलिस को कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं दिखता है, बट इंडिकेट करता है कि इंक्वायरी हो, तो उस केसेस में वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ FIR कर सकती है। तो इसके लिए कोई भी सिचुएशन ऐसी कि उनको वारंट की ज़रूरत है या नहीं है, ये पुलिस के पास राइट है कि वो उस ऑफेंस को चेक करने के लिए कि वो कॉग्निजेबल है या नहीं एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। ये जनरली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में होता है फ्रेंड्स, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, मेडिकल नेग्लिजेंसेस के केसेस में भी, या फिर करप्शन के केसेस में होता है जिसमें कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस इंक्वायरी के बेसिस पर पुलिस सर्टेन करेगी कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये इंक्वायरी लेकिन टाइम बाउंड होनी चाहिए और विद इन द 7 days में कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। अगर कोई रीज़न है डिले का तो इंक्वायरी में वो भी पुलिस को बताना पड़ता है।
बेसिकली इस इंक्वायरी का पर्पस यही असर्टेन करना है कि वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है FIR रजिस्टर करने की, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको मना करता है रजिस्टर करने से तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। अब अगर इंक्वायरी होने के बाद किसी FIR को क्लोज किया जाता है तो ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की कि वो 7 दिन के अंदर 7 डेज के अंदर कॉपी ऑफ एंट्री ऑफ क्लोजर रिपोर्ट इन्फॉर्मेंट यानी आपको दे, और साथ ही साथ रीजंस भी बताएं कि कंप्लेंट क्यों क्लोज कराई गई है। मैं पिछले कई सालों से इस फील्ड में कई सिचुएशन से अराइज हुआ हूं, और सबसे कॉमन कंप्लेंट आती है कि कई बार पुलिस ऑफिसर आपकी FIR रजिस्टर करने से मना कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उस सिचुएशन में आप ये इन्फॉर्मेशन राइटिंग में बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजें, वो सुपरिटेंडेंट आपके शहर का हो और उसको आप बाय पोस्ट ये इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेटिस्फाई होता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो या तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा या अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को बोलेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब रिफ्यूजल्स होता है तो वो किस केसेस में सही माना जाता है? कई कई बार क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिफ्यूजल कर देता है केसेस में FIR रजिस्टर करने से खुद, बट उसमें भी कई सिचुएशंस हैं कब रिफ्यूज कर सकता है वो। पहले अगर वो ऑफेंस बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन हो पुलिस स्टेशन के, अगर वो ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन के दायरे में ही ना हो, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो इन्फॉर्मेशन को कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में रेफर करा दें। दूसरी वजह अगर आपकी FIR से रिफ्यूजल करता है वो ये है कि अगर इन्फॉर्मेशन किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर हो, तो हर पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि अंडर सेक्शन 155 ऑफ CRPC वो इन्फॉर्मेंट को बताए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को लेकर मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं और उससे ही इन्फॉर्मेशन को अपनी डायरी में भी एंटर करें। ये जरूरी है कि रिफ्यूजल का रीजन आपको पुलिस वाला जरूर देगा अगर रिफ्यूज करता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिले इन FIR के केस में क्या होता है। लॉ में FIR लॉन्च करने का कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है कि कितने टाइम के अंदर आपको FIR फाइल करनी है, बट ये एक्सेप्टेड रूल है कि आप प्रॉम्प्टली उस इन्फॉर्मेशन को फाइल करें, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि एविडेंस टैम्परिंग का काफ़ी खतरा रहता है, या अक्यूज भाग जाता है, या कभी कभी नॉन ट्रेसिबल हो जाता है। तो उन केसेस में, उन सिचुएशंस में ज़रूरी बन जाता है कि आप टाइमली FIR फाइल करें। अब FIR या तो इन्फॉर्मेंट की गलती से फाइल हो सकती है या पुलिस ऑफिसर की गलती से डिले हो सकती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर डिले कर रहा है इन्फॉर्मेशन फाइल करने से, तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो सब्सटेंशियल ग्राउंड्स डिक्लेयर करें जिस बेसिस पर उन्होंने डिले किया है। और अगर प्रोसिक्यूशन यानी इन्फॉर्मेंट की तरफ से कभी कोई डिले हुआ है तो दे शुड सब्सटेंशिएट वो सर्कमस्टांसेस जिसके कारण से वो उनको वो ऑफेंस बताने में डिले हुआ है, यानी कि उनको अपना प्रूफ करना पड़ेगा केस बाद में या फिर सिचुएशन अराइज होने में कि उनकी डिले की वजह क्या रही है। अब बात करते हैं ऑनलाइन FIR की, कंप्लेंट की। EFIR की बात करते हैं तो EFIR कॉग्निजेबल केसेस के सिचुएशन में होने चाहिए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को होती है और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में EFIR होगी। एक बार कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो फिर मैजिस्ट्रेट
की परमिशन से उसको FIR भी बनाया जा सकता है। बट कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में जहां नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में भी FIR और कंप्लेंट के केसेस में दोनों रजिस्टर करने देते हैं। ऑनलाइन FIR आपको रजिस्टर करनी होती है जिस भी स्टेट में वो ऑफेंस कमिट हुआ है या जिस भी यूनियन टेरिटरी में वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी पुलिस वेबसाइट पर। जी हाँ दोस्तों, सपोज अगर कोई भी क्राइम, कोई भी ऑफेंस यूपी के अंडर कमिट हुआ है तो आपको यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन FIR, EFIR फाइल या कंप्लेंट फाइल करनी होगी। अगर दिल्ली में हुआ है तो आपको दिल्ली की पुलिस वेबसाइट पर जाना होगा। अब काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो गए या गाड़ी चोरी हो गई या छोटा मोटा सामान खो गया है या मेट्रो में चलते हुए कोई चोरी हो गई है, पर हम लोग डरते हैं कि पुलिस स्टेशन जाएगा कौन, FIR के झंझट में कौन पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स और दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी है कि ऑनलाइन FIR एक बहुत ही अच्छा तरीका है और अब ये बहुत ही ईजली और बहुत ही कन्वीनियंटली वेबसाइट्स और इंटरनेट के बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अच्छे से अपने सर्वर्स को अपडेट करते हुए बना लिया है, जिससे कि कस्टमर्स और किसी भी इन्फॉर्मेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं समझता हूँ आज के टाइम में आप ऑनलाइन FIR का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें और अपने टाइम को भी बचाएं। तो अगर आप किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक सिटीज़न सर्विस का एक टैब आपको वेबसाइट पर मिलेगा। उस सिटीज़न सर्विस के टैब पर आप क्लिक करिए, उसके बाद आपको कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन या EFIR का ऑप्शन मिलेगा। अकॉर्डिंगली आप जैसा मन मैंने बताया था आप फर्दर चूज करके मूव कर सकते हैं कि ई कंप्लेंट करनी है या EFIR करनी है। उसके बाद आपको कई सारे ऑप्शंस उस वेबसाइट्स में आपके सामने दिखेंगे, जैसे कि एक टैब होगा मोटर व्हीकल एक्ट थेफ्ट का या फिर कंप्लेंट लॉज का या फिर लॉस्ट एंड फाउंड का, मिसिंग मोबाइल्स का, ऐसे छोटे छोटे ऑफेंसेस के बारे में डिफरेंट टैब्स में दिया रहता है। अलग अलग वेबसाइट्स का थोड़ा अलग अलग लेआउट रहता है, बट सभी स्टेट की पुलिस वेबसाइट्स पर आपको ईजी स्टेप्स विथ ईजी डायरेक्शंस सब कुछ आपको मिलेगा। फर्दर आप मूव करेंगे, जब आपने चूज़ कर लिया होगा कि आपको क्या फाइल करना है, तो आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल करिएगा और जो रेड मार्क से डिटेल्स एस्ट्रिक साइन होता है जिन रिक्वायरमेंट्स में, वो कंपलसरी होता है और उसको आपको ज़रूर ही देना होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईमेल एड्रेस देना आपको बहुत नेसेसरी रहता है, जिससे कि उस ईमेल एड्रेस पे आपको FIR की या कंप्लेंट की कॉपी मिल जाए और फर्दर आपका जो कंप्लेंट का स्टेटस है वो आपको ईमेल से लगातार फ्यूचर में मिलता रहे। सो सभी इन्फॉर्मेशन को फ्रेंड्स ध्यान से डालिए, क्योंकि कोई पुलिस ऑफिसर आपकी असिस्टेंस में नहीं होगा जब भी आप ये EFIR या ई कंप्लेंट कर रहे होंगे। ये आपको खुद ही अपनी रिपोर्ट फाइल करनी होती है। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटे छोटे डाउट्स और जो बहुत छोटी सी मुसीबतें दिमाग में रहती हैं कभी किसी ई फाइलिंग को लेकर या फिर FIR को लेकर, वो आपकी क्लियर हुई होंगी। आई होप आपके ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल रहा हो और आप लोग अब पुलिस स्टेशन जाने से नहीं घबराएंगे। रेडियो 2.0 के माध्यम से मैं सभी लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और चाहता हूँ कि इसी तरीके से मैं सभी इन्फॉर्मेंट्स को लगातार छोटी छोटी लीगल राइट्स या लीगल इश्यूज़ के बारे में अवेयर करता रहूँ और उनकी हेल्प करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।